हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को देखा था और उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, मतलब ए की होने की क्या प्रायिकता है जब बी घटित हो चुका है तब, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर जीरो हो गया तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं होगा। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस पर कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ कुछ गुण को देखेंगे। ठीक है, स्वप्रतिबंध प्रायिकता के गुण को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है, देखिए जितना भी ये प्रॉपर्टी है ना वो हम लोग जो सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़े, ठीक है, उस पे ही बेस्ड है। हम लोगों ने वहाँ क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट वो जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, ये हम लोग जो तीन एग्जियम्स पढ़े थे उसमें भी ये चीज़ हम लोगों ने देखा था, जो तीन तथ्य पढ़ा था। ठीक है, तो सेम वे में आप यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, सब प्रतिबंध प्रायिकता में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो इस ये भी एक तरह से इवेंट हो गया। ठीक है, तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी का ये कंडीशनल मतलब रूप है, ये बोल सकते हैं आप। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने वहाँ क्या पढ़ा था बेसिक में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ होल सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे भी कंडीशनल के केस में, ठीक है, सप्रतिबंध के केस में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ होल सैंपल स्पेस वेन बी इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो आप देखिए ये भी वन होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ इस तरह से भी देख सकते हैं, इसको आप इस फॉर्मूला पे ओपन करिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस होल सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी गिवन प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब जैसे देखिए होल सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वेन डायग्राम देख लीजिए, ये आपका होल सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, इसके अंदर कोई सेट बी है। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, सेट बी ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि वन। ठीक है, तो ये वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद से तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, मतलब बी पहले घटित हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे जब हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए जब बी जब यहाँ पे जी बी जब घटित हो गया है, ठीक है, तो क्या आया, बी का ही सैंपल स्पेस आया, मतलब बी में जितना एलिमेंट था वही आया। ठीक, अब अगर पूछेगा कोई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब बी हो चुका है, ठीक है, तो कौन सा सब जो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, बी का ही पूछ रहा है और बी का ही एलिमेंट है, तो इससे तो आप 100% सी हो रहे कि बी का ही होगा, वन होगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट होगा तो बी का ही होगा। ठीक, और जब बी घटित हो चुका है तो सिर्फ बी का ही एलिमेंट है इसमें। ठीक है, और उसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो वो वन होगा। ठीक है, तो तीसरा आपको जो था प्रॉपर्टी यही था। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी हुआ। ठीक, उसके बाद से चौथा क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी, ठीक है, प्रतिदर्श समशिष्ट एस की दो घटनाएं हैं, मतलब कि कोई एस सैंपल स्पेस है, ठीक है, उसमें ए और बी जो है दो घटना है, ठीक है, और एफ जो है एक अन्य घटना है जो कि पहले से हमें ज्ञात है। ठीक, मतलब कि ये देखिए एक सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है, इसमें ए ये वाला और बी दो घटनाएं हो गया, ये और ये एफ जो घटना है ना, ये एफ जो होगा घटना, इसके बारे में हमको ऑलरेडी मालूम होगा। ठीक है, तो उस केस में बोल रहा है क्या कि अगर ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, मतलब कि अगर डिसज्वाइंट रहेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन
एफ। ठीक है, ये भी देखिए जो हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे भी क्या पढ़े थे, अगर कोई दो इवेंट डिसज्वाइंट है, ठीक है, तो अगर यूनियन निकालते हैं तो उसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो सेम वे में हम यहाँ कंडीशनल में भी लगा सकते हैं। देखिए, ए यूनियन बी गिवेन एफ, मतलब कि एफ घटना आपको पता होगा, ठीक है, तो अब ये यूनियन क्या हो जाएगा, प्लस सिंपल क्या करेंगे हम, दोनों का योग कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल सम हो रहा है, यहाँ पे कंडीशनल वे में होगा, जो कंडीशनल जिस वे में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ। ठीक, तो ये कब, जब परस्पर अपवर्जी है, मतलब कि डिसज्वाइंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक, अब देखिए सेम चीज में अगर हम बोल दें कि यदि ए और बी जो है परस्पर अपवर्जी नहीं हो, ठीक, अब उस केस में क्या होता था, सिंपल वाले केस में, सिंपल वाले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते थे, अगर परस्पर अपवर्जी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसज्वाइंट नहीं है, तो क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये आपका कुछ कुछ मेन प्रॉपर्टी है। ठीक, और एक प्रॉपर्टी लास्ट में हम लोग देखिए वहाँ पे क्या पढ़े थे, किसी भी इवेंट का नहीं होना, सिंपल वे में जो पढ़े थे, इज इक्वल टू वन माइनस, पहले तो हम लोग इस तरह से पढ़े थे, किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, मतलब एक इवेंट हो चुका है प्लस सेम इवेंट नहीं हुआ, अगर दोनों के सम को करेंगे तो हम क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ से आप क्या ड्राइव कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का नहीं होना इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होना। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से कंडीशनल वे में भी आप लिख सकते हैं, अगर कंडीशनल दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का नहीं होना जब बी गिवन है इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होना जब बी गिवन है। ठीक है, तो यही मोटा मोटी आपका जितना भी प्रॉपर्टी था, आप जो बेसिक पढ़े थे, बेसिक एग्जियम्स जो हम शुरू में बताए थे पिछले लेक्चर में, सारा उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर वो आप लोग अच्छे से अगर दिमाग में रखिएगा तो क्या है, इसको सिर्फ कंडीशनल वे में लिख देना है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जैसे नोटेशन होता है उस तरह से उसको ओपन कर दीजिए। तो ये सारा हो गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो है आपका ये प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, एक तो ये वाला, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, उसके बाद से चौथा ये, जब आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या परस्पर अपवर्जी है या डिसज्वाइंट है। ठीक, तो सेम वे सब देखिए, सब जो सिंपल वाला पढ़े थे उसी का एक्सटेंशन है, सब एक्सटेंशन नहीं बोलेंगे, मतलब उसी के जैसा है। ठीक, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर बेसिक पता है तो आप जो है इसको भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण थे ये सब। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन जो है और सॉल्व करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। ठीक है, यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाले, परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासा को फेंके। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट हो, यदि घटना कम से कम एक प्रकट हो का घटित होना दिया गया है, होना दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट ये आपको सब देखना होगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए मिक्स क्वेश्चन आएगा, उसमें पता नहीं चलेगा कि कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ता मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए मालूम कैसे कौन किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है या कैसा क्वेश्चन है, पता रहना चाहिए। ठीक है, यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट हो का घटित होना दिया गया है, ठीक है, तो घटना पासे पर चार से बड़ी संख्या प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ ज्ञात क्या करना, क्या चीज़ का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना और क्या चीज़ घटित हो चुका है, ये आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए, दिख रहा है। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को भी इंग्लिश में हम लोग एक बार देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन, इफ द क्वाइन सोज हेड टॉस इट, ठीक है, एंड
again, but if it shows tails, then throw a dice. Find the conditional probability of an event that the dice shows a number greater than 4. इसका probability निकालना है, ठीक है. Given that, ये important है, there is an at least one tail, ठीक है. तो सबसे पहले देखिए, इसको simple way में हम लोग solve करेंगे आराम से, ठीक है. सबसे पहले क्या दिखा हुआ है, सबसे पहले बोल रहा है question में कि हम एक सिक्का को उछालें, ठीक है. अगर सिक्का को उछालें, ठीक है, अगर tail आएगा सिक्का से, ठीक है, तो हम उसके बाद एक डाइस फेंकेंगे. तो डाइस का क्या क्या हो सकता है आउटकम, एक हो सकता है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है. बोल रहा है कि सिक्का को उछाले, ठीक है, एक सिक्का क्वाइन को उछाले, सॉरी, एक क्वाइन को उछाले, अगर टेल आ गया, ठीक है, तो टेल आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डाई को उछालेंगे, ठीक. अगर हेड आ गया क्वाइन को उछालने के बाद, अगर हेड आ गया, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से सिक्का को उछालेंगे, ठीक. अब फिर से सिक्का को उछालेंगे तो फिर से हेड आ सकता है या नहीं तो टेल आ सकता है, ठीक है. अब अगर हेड आ गया तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, अगर टेल आया तो फिर यही चीज़ रिपीट होगा, फिर टेल आया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम डाई को उछालेंगे, मतलब डाई को रोल करेंगे, पासा को रोल करेंगे, ठीक है. तो अब देखिए मेरा सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, मेरा जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, सेट क्या बनेगा. देखिए सैम्पल स्पेस क्या बन रहा है आपका, या नहीं तो आपका हेड आ जाएगा, पहले में भी हेड आ जाएगा, दूसरे में भी हेड, तो ख़त्म मेरा कहानी, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं. और या नहीं तो क्या आया कि पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, ये हो सकता है. अब देखिए अगर टेल आ गया, ठीक है, अगर टेल आ गया तो टेल के साथ आप क्या कर रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, तो टेल के साथ 1 आ सकता है, या नहीं तो टेल के साथ 2 आ सकता है, या नहीं तो टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6, ठीक है. यही होगा मेरा टोटल सैम्पल स्पेस, और कुछ तो पॉसिबिलिटी बनता नहीं है. देखिए क्वाइन टॉस किया, क्वाइन को उछाले, टेल आया, तो टेल के साथ ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकता है, ठीक. तो ये सैम्पल स्पेस में हम लिख दिया, ठीक. अब मान लिया कि टेल नहीं आकर के हेड आ गया, ठीक है. अब हेड आ गया तो फिर हमको क्या करना है, हेड आया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिक्का फिर उछालना, तो फिर सिक्का उछालेंगे तो मे बी हेड, सेकेंड टाइम भी हेड आ गया, तो हेड यानी कि ये पॉसिबिलिटी बना. अब फिर क्या होगा कि अगर मान लेते हेड नहीं आया, मे बी टेल आ गया, तो हेड और टेल, एक ये पॉसिबिलिटी बना, हेड और टेल, ठीक है. अगर फिर टेल आया तो हमको क्या करना है, डाई उछालना है, तो देखिए टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक. अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है. अब यहाँ पे इस सैम्पल स्पेस में जितना भी इवेंट है, जितना भी आपको ये आउटकम है, ठीक है, कितना आउटकम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आउटकम है, तो ये 8 आउटकम जो है ना इक्वली लाइकली नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है. क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम अगर हम सिक्का उछालें तो इस हेड का आने का क्या चांस है, 1/2, ठीक है. सेम वे में इस टेल के आने, इस फिर इस हेड का आने का क्या चांस है सेकेंड बार में, 1/2, तो यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4. सेम वे में इसका भी 1/4 होगा, ठीक. अब इसका देखिए, सबसे पहले तो टेल आएगा, सिक्का उछाले हैं, टेल आने का क्या चांस होगा, 1/2, ठीक है. अब देखिए डाइस में 1 आने का क्या चांस होगा, 1/6, ठीक है. तो टेल के साथ 1 आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/12, ठीक है. सेम वे में इसका भी टेल के साथ 2 आए, इसका भी 1/12 होगा, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जितना सैम्पल स्पेस में मेरा आउटकम है सारा इक्वली लाइकली नहीं है. अगर इक्वली लाइकली रहता तो सबकी प्रायिकता समान आती, ठीक है. अब जैसे कि हम देखिए, हम आपको पिछले बार जो हम कुछ कुछ एग्जांपल बताए थे, देखिए इसमें, इस केस में क्या हो रहा है, देखिए इस केस में क्या था कि हर एक का प्रोबेबिलिटी कितना था, 1/4. सैम्पल स्पेस में इसका भी 1/4 था, इसका भी 1/4, इसका भी होने का चांस 1/4. तो सारा जो है आपका इक्वली लाइकली है, समान रूप से संभावित है, ठीक है.
उसके बाद से इस केस में भी क्या था, इस केस में भी मेरा जो था जितना ये होने का था 1/10, इसका भी चांस था, इसका भी चांस 1/10। सैम्पल स्पेस में जितना एलिमेंट है सबका प्रोबेबिलिटी एक समान था, यानी कि इक्वली लाइकली था, इस केस में भी इक्वली लाइकली था। ठीक है, अब जो हम लोग ये प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो देखिए सबका इक्वली लाइकली नहीं है, इसका 1/4 है, इसका 1/4 है, और उसके बाद से बाकी सबका 1/12 है। ठीक, तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो इसको हम फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और जिस तरह से हम रीजनिंग बताए थे उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हम डायरेक्ट बताए थे आपको। तो इक्वली लाइकली के केस में आसान होता है, ठीक है, इस केस में भी है आसान, लेकिन आपको थोड़ा सा केयर रखना होगा। ठीक है, केयर क्या रखना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है, हर एक के प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा उस पर केयर रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आराम से इसको फार्मूला पे सॉल्व करते हैं। ठीक, उसके बाद से फिर हम लोग जो वो रीजनिंग देखे थे सिंपल उस पर भी सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए गिवन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो गिवन है क्या बोल रहा है कि गिवन डेट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, एटलीस्ट वन टेल, तो बी के सेट में सबसे पहले इसका निकालते हैं, तो बी के सेट में पहले देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। तो बी के सेट में क्या बोल रहा है, जो गिवन है एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट जो है एक जो है पट प्रकट होना चाहिए। तो टेल तो किस में आएगा आपका, एक तो हेड टेल, यहाँ पे यहाँ देख करके बताइए हेड टेल, उसके बाद से फिर टेल के साथ वन, फिर टेल के साथ टू, टेल के साथ थ्री, टेल के साथ फोर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस केस में इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, इसके होने की संभावना 1/4 है। ठीक, और इन सब के होने की संभावना 1/12, इसका 1/12, इसका 1/12, इसका भी 1/12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस सबको जोड़ दीजिए 4/12, यानी कि कितना हो गया आपका 12, और यहाँ पे 3 + 4 यानी कि 7/12। ये क्या निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकला ये चीज़। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले बी का तो सेट मालूम चल गया क्या क्या है, ए में दिखे सेट क्या क्या है, ए में क्या क्या होगा। ठीक है, तो ए में क्या बोल रहा है कि क्या निकालना है हमको, कि द डाई सो ए नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब पासे में जो नंबर रहना चाहिए 4 से बड़ा रहना चाहिए। तो उसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, टेल के साथ 4, सॉरी 4 से बड़ा रहना चाहिए यानी कि 5 होगा यहाँ पे, फिर टेल के साथ 6, यही दोनों आएगा ना, क्योंकि 4 के इक्वल तो नहीं बोल रहा है, ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ए आ गया ये, बी आपका ये दिया हुआ है, बी आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी में देख लीजिए कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में यही दोनों आएगा ना, देख लीजिए इसमें भी है टेल के साथ 4। अच्छा यहाँ पे क्या था कि, अच्छा यहाँ टेल के साथ 4 और रुकिए सॉरी, यहाँ पे आपको बी में यहाँ पे जो है आपको, अच्छा बी में क्या बोल रहा है, गिवन क्या है, गिवन डेट एटलीस्ट वन टेल। तो टेल के साथ यहाँ 4 तो आया, टेल के साथ 5 भी आएगा ना बी में, और टेल के साथ 6 भी आएगा। ठीक, तो कितना एलिमेंट हो गया आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 एलिमेंट हो गया इसमें। ठीक है, और 7 में से आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/12, यानी कि 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9, तो 9/12। ये क्या निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा, 9/12। ठीक, अब देखिए कि
कॉमन कौन कौन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे थे हम, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए कितना, पहले तो ए आपका ए के सेट में ये दोनों आएगा, ठीक, तो ए और ए इंटरसेक्शन बी के सेट में कौन कौन आएगा, देखिए ये भी है, ये भी है बी में, तो दोनों कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये आ जाएगा 7.5 और 7.6, ठीक। अब निकालेंगे कि हम क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, तो देखिए इन दोनों के होने की संभावना क्या है, 1/12 और इसका भी 1/12, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 2/12, दोनों को प्लस कर दिए, ठीक है, तो अब ये सब सब मेरा निकल गया, ये कितना आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2/12 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया यहाँ पे देखिए 9/12, 9/12, ठीक है 9/12, तो यहाँ पे 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/9, ये आंसर, ठीक है। तो देखिए पिछला जो हम क्वेश्चन बताए थे और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि पिछला वाला जितना था आपको वो इक्वली लाइकली आउटकम था, इसमें इक्वली लाइकली आउटकम नहीं था, ठीक। और यहाँ पे जो देखिए ये जो डायग्राम हम एक्सप्लेन किए हैं इसमें भी क्या था, मैंने ये उस टाइम भी जब लेक्चर बताया था तो बोला था कि यहाँ पे ये जो है आपका इक्वली लाइकली है, और जब भी घटित हो चुका है तो हर एक इवेंट जो है वो, हर एक आउटकम जो है वो भी इक्वली लाइकली है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक। और जहाँ तक बात रही क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो हम लोग जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करने का अलग से सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज और एक प्लस एग्जांपल जितना है उसका सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराएंगे। बाकी बात आप लोग ये थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोग आराम से एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो उसे ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन करिए होइए और ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करिए, वहाँ आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।